नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवेश सैनी, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बात करूंगा छोटे बच्चों में पेट में होने वाले रोग के बारे में। तो अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं बच्चों के पेट के रोग क्यों होते हैं। अक्सर क्या होता है दोस्तों, जो जैसे कोई ताकतवर है, कमज़ोर है, अगर कमज़ोर ताकतवर से लड़ेगा तो नुकसान कमज़ोर का ही होना ये निश्चित है। उसी तरह से बॉडी की इम्यूनिटी, बच्चों की, छोटे बच्चों की जो बॉडी की इम्यूनिटी होती है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, रोगों से लड़ने की ताकत होती है, वो कम होती है। तो कोई भी इन्फेक्शन बच्चों पर तुरंत हावी हो जाता है, बच्चों के पेट में संक्रमण हो जाना ये सबसे कॉमन सी चीज़ है। इसलिए बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, बच्चों में पेट के रोग होते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं कि बच्चों में किस तरह के रोग ज़्यादातर बच्चों में होते हैं। बच्चों में उल्टी, पेट में दर्द और दस्त लग जाना, गैस फूलना, पेट फूलना, गैस की समस्या, कृमि हो जाना, ये पेट के रोग बच्चों में बहुत कॉमन होते हैं। तो दोस्तों क्या कारण है बच्चों में संक्रमण के? अक्सर क्या होता है कि पानी है वो गंदा पानी है, आसपास कोई गंदगी जमा है, नल लगा हुआ है, वहाँ से पानी पी लिया, बच्चों को पानी पिला दिया। तो संक्रमण के कारण भी बच्चों में अक्सर बीमारियां होती हैं। या फिर खाना, जो भोज्य पदार्थ है वो खुला हुआ है, बाजार का खाना है, खुला हुआ, मक्खियां से बैठ रही हैं, खाना ढका हुआ नहीं है, तो इन्फेक्शन बच्चों के पेट में चला जाता है। ये सबसे बड़ा कॉमन कारण है। छोटा बच्चा है, घुटनों चलता है, गंदगी में हाथ चला गया, या बच्चा कोई भी गंदी चीज उठा के मुंह में रख लिया, तो जो भी फर्श है आपका फर्श साफ सुथरा रखिए, वहाँ गंदगी ना रहे, मक्खियाँ ना बिनकें, खाद्य जो भी खाद्य पदार्थ है उनको आप ढक के रखें, रोटी वगैरह सब्जी वगैरह जो भी आप बनाएं ढककर जरूर रखें, साफ पानी का इस्तेमाल करें, बच्चों को, छोटे बच्चों को आप पानी बॉइल दीजिए, तो इस तरह से आप बच्चों को बचा सकते हैं दोस्तों। तो खुले में शौच बहुत एक कॉमन कारण होता है, ये गाँव देहात में बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाता है, मक्खियाँ गंदगी से बैठकर खाने के पदार्थों में बैठती हैं और वो पदार्थ जब छोटे बच्चों के पेट में जाता है तो वो संक्रमण करता है। बच्चों को उल्टी हो जाती है, बच्चों में अक्सर क्या होता है, कीड़े होते हैं, कीड़े की वजह से उल्टी हो जाती है, बच्चों में गैस होती है, गैस की वजह से भी उल्टी हो जाती है, या आंतों में सूजन संक्रमण हो जाता है, उसकी वजह से बच्चों में उल्टियाँ हो जाती हैं। तो दोस्तों बात करते हैं होम्योपैथिक इलाज की। अगर बच्चों के पेट में कीड़े हैं तो उसके लिए आप सिना 30 ले सकते हैं। सिना 30 की 5 बूंद सुबह दोपहर शाम बच्चे को दीजिए, बच्चों के पेट के लिए सही हो जाएंगे दोस्तों। दूसरी दवा है, दूसरा अगर बच्चों को उल्टी हो रही है और उल्टी हो रही है तो उसमें आप दवा दे सकते हैं। अगर अचानक उल्टी हुई है सर्दी या गर्मी की वजह से तो आप एकोनाइट 200 दीजिए, आपके बच्चे की उल्टी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। एकोनाइट 200 तो आप घर में रखिए हमेशा, बहुत ज़्यादा गर्मी लग जाए या बहुत ज़्यादा सर्दी लग जाए दोनों में ये काम करती है। अचानक कोई दिक्कत अगर पैदा होती है, चाहे बुखार हो, खांसी हो, या कोई भी प्रॉब्लम जो अचानक शुरू होती है, या बहुत ज़्यादा ठंडी लगने की वजह से, या बहुत ज़्यादा गर्मी लगने की वजह से, गर्मी में लू लग जाती है, सर्दियों में भी बच्चों को सर्दी लग जाती है अचानक ठंडी हवा में, तो एकोनाइट तो हमेशा मेडिसिन रखी रहनी चाहिए, एकोनाइट 200 पोटेंसी। बच्चों के अचानक पेट में दर्द हुआ है तो एकोनाइट 200 दे दीजिए। बच्चों के अचानक सिर में दर्द है, बच्चों की अचानक सर्दी लग गई है, बच्चों को अचानक बुखार आया है, अचानक खांसी शुरू, एकोनाइट बहुत बेस्ट मेडिसिन है। अचानक कोई भी बीमारी हुई है बहुत ज़्यादा तीव्रता के साथ, हाई ग्रेड फीवर हुआ है, पेट में दर्द हो गया, कान में दर्द हो गया, सिर में दर्द हो गया, तो ये एकोनाइट 200 बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। एक दवा है, अगर संक्रमण के कारण बच्चों में उल्टी हो रही है तो पेट में संक्रमण है, उल्टी हो रही है तो आर्सेनिक 30 बहुत अच्छा काम करती है। बच्चों को अगर गैस है, गैस की वजह से पेट में दर्द हो रहा है तो इसमें आप लाइकोपोडियम दे सकते हैं, कोलोसिन 30 दे सकते हैं। फ्लैटुएंट कोलिक जो होता है गैस के कारण जो दर्द होता है, उसमें बच्चों में कोलोसिन बहुत अच्छा काम करती है, कोलोसिन 30 पोटेंसी। और बच्चों का अगर पेट खराब है तो आर्सेनिक 30 आप दे सकते हैं, ये आर्सेनिक उल्टी में, दस्त में, सभी में काम करती है। और दोस्तों अगर गैस बनती है तो लाइकोपोडियम आप दे सकते हैं बच्चों के पेट दर्द में। बच्चे ने बाहर कुछ खाया है या शादी ब्याह में गए हैं वहाँ कुछ खाया है, उसके बाद में पेट में दर्द हो गया, पल्सेटिलअप 30 इसमें बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों ये कुछ दवाएं बताई है मैंने, बहुत अच्छी मेडिसिन है ये दवाई, आप घर में हमेशा रखें। छोटे बच्चों के साथ में क्या होता है, अचानक कोई दिक्कत शुरू होती है रात में, रात में, और डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं हो पाते रात में, तो इमरजेंसी मेडिसिन में ये बहुत अच्छा काम करती हैं।
दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।